इस वीडियो में बात करेंगे जो मास्टर लेवल के रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के बाद जिन स्टूडेंट्स का वाइवा होता है उनके क्वेश्चन की टेंशन बहुत होती है, तो आंसर क्या देने हैं, राइट आंसर क्या देने हैं, उनकी टेंशन होती है। तो इस वीडियो में वो क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने पेश करूंगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ साथ में उसकी जो राइट आंसर होगा उसका वो साथ में एक्सप्लेन करूंगा। बड़े ही ब्रीफ में टू दी पॉइंट होगा और ये किस पर वीडियो बेस्ड होगा। ऑलरेडी जो मैंने आज तक पीएचडी के वाइवेज लिए हैं, एमएड के वाइवे लिए हैं, साइकोलॉजी के मास्टर लेवल के वाइवे लिए हैं, उनके आधार पर और जो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वाइवाज को अटेंड किया है, तो मिनिमम क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। सेकंड वीडियो होगा, सप्लीमेंट वीडियो होगा, उसमें थोड़े डिफिकल्ट और एडवांस क्वेश्चन होंगे। इसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मीन ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, फिर भी मैंने देखिए कि रखा है कि आपको इसमें कितने 80% क्वेश्चन या इससे प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके वाइवाज में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ब्रीफ होंगे, टू द पॉइंट होगी, एक्सप्लेनेशन साथ में होगी, कोशिश होगी कि हर एक की एग्जांपल साथ में दूं कि आपने बोलना क्या है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आगे जो निकलते हैं, क्योंकि कई बार वाइवा में जो एक्सपर्ट पूछता है उसमें से चेन एक निकल आती है क्वेश्चन की, वो उसके आंसर कैसे निकल सकते हैं और आपने क्या देने हैं। तो इनका टारगेट ऑडियंस मेरी कौन सी है, किन किन को बेनिफिट हो सकता है। एक तो रिसर्च स्कॉलर्स जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, जहां बेसिक मास्टर लेवल का थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कारण क्या है कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज देंगे। दूसरा ये है कि ये यूजीसी नेट वालों को फायदा भी देंगे, क्योंकि एमसीक्यू में जो स्टेम उठाई जाती है वो मेरे एग्जैक्ट वर्ड वो ही आंसर होंगे। अच्छा, मास्टर लेवल के स्टूडेंट का वाइवा तो है ही है, वैसे उनके उन्होंने पहले भी अगर इसको वीडियो को अटेंड करते हैं तो अपने जो वैसे इस वीडियो को पहले उन्हें अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जो रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ते हैं उनके सामने एग्जांपल आ जाती है। क्योंकि मैं एक थीसिस दो थीसिस को डिसर्टेशंस को साथ में लेके चलूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। तो पीएचडी के कैंडिडेट को एंड पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट प्रोसेस वालों को, पीएचडी के वाइवा वालों को इनका फायदा हो सकता है। कारण ये है कि मिनिमम ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं। हाँ, पीएचडी में एडवांस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, इन डेप्थ है। दूसरी बात कि अब हम ये जो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च है ना, तो वो भी बीच में आपको नॉलेज देता रहूंगा। तो इसमें इस वीडियो ये वाइवा किस बेस पर है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसके बारे में होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के वाइवा डिफरेंट होगा, केस स्टडी का डिफरेंट होगा और हिस्टोरिकल का, फिलोसॉफिकल का, ये डिफरेंट वीडियो होगी, क्योंकि उनमें कम से कम 60-70% क्वेश्चन जो है बदल जाएंगे। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्टर लेवल के थीसिस पर जहां पीएचडी में मैक्सिमम जो मेथड यूज किया जाता है वो डिस्क्रिप्टिवल कोरिलेशन मेथड, मतलब इन मेथड को यूज करके सबसे ज्यादा पीएचडी हो रही है। दैट इज व्हाई लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट इसके होंगे। किसी भी रिसर्च वाइवे में दो तरह के ब्रॉडली डिवाइडेड दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। ये क्वेश्चन किस लिए होते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड थ्योरीज रिगार्डिंग रिसर्च मेथडोलॉजी। दैट इज वाई इनको कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहा जा सकता है। इनकी एग्जांपल क्या है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रिलेटेड लिटरेचर, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, व्हाट इज रिलायबिलिटी, व्हाट इज वैलिडिटी, व्हाट इज रिसर्च। ओके, तो आपने उसकी डेफिनेशन देनी है, टाइप्स देने हैं, सोर्सेज बताने हैं। दूसरी तरफ योर रिसर्च वर्क डन, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने किया है, एक्चुअल में किया है ना। तो ये एक तरह से बुकिश नॉलेज है और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। दैट इज व्हाई इसको मैंने नाम दिया है एम्पिरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो जो आपने किया है, बेशक यहां क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रिलेटेड लिटरेचर तो कंसेप्चुअल है, जब वर्ड साथ में आ जाता है व्हाट इज योर रिलेटेड लिटरेचर है ना, तो आप यहां क्या करोगे, आप यहां अपने वेरिएबल वन और वेरिएबल टू उनके रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडीज मिली है उन पर बात करोगे है ना। तो वो सबके डिफरेंट होंगे। फ्रॉम वेयर यू कलेक्ट योर लिटरेचर है ना,
तो यहाँ जहां से आपने सोर्सेज जो आपने यूज किए हैं, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज आप बता सकते हो, लेकिन आपने सभी सोर्सेज यूज नहीं किए हो सकते। दैट इज वाई यहां आपका वही आंसर हो जो आपने डन है, किया है ना। हाउ यू एनालाइज लिटरेचर, आपने कैसे किया, प्रैक्टिकल किया होगा तो आंसर देना होगा, है ना। हाउ यू विल एस्टिमेट रिलायबिलिटी, हाउ यू हैव एस्टिमेट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो जो ये सीरीज चलेंगी, ये मैं बता दूं कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर डिफरेंट सीरीज चलेगी, वाइवा की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर डिफरेंट सीरीज चलेगी, और फिलोसॉफिकल पर डिफरेंट, क्वालिटेटिव पर डिफरेंट, हिस्टोरिकल रिसर्च पर डिफरेंट। सभी सीरीज में मैं दोनों तरह के क्वेश्चन की बात करूंगा। दैट इज वाई यूजीसी वालों के लिए, जिन्होंने एग्जाम देने हैं रिसर्च एंट्रेंस पीएचडी का देना है, उनके लिए साथ साथ में ये तैयारी होती रहेगी। सीरीज क्यों चलेगी ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मेरे से डिस्कस करोगे कि सर ये क्वेश्चन आपके वीडियो में नहीं था और काइंडली इसका उत्तर दीजिए, और जब मैं रिसर्च वाइवा लेने जाता हूं, जब वाइवा अटेंड करता हूं अपने स्टूडेंट्स का, पीएचडी वालों का, तो नए क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी फर्दर सीरीज ये बनती रहेगी। इस तरह से मैक्सिमम कंप्लीट कोशिश करेंगे कि वाइवा का पूरी क्वेश्चन की बुक बैंक ये बन जाएगी, है ना। अगली बार तो सभी सीरीज के पार्ट्स होंगे, क्योंकि ये भी वीडियो जो है कम से कम 2-3 घंटे का बन गया, लेकिन मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, तो पार्ट्स में ही ये सीरीज चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो वाइवा में पूछे जाते हैं उसके एडिशनल भी आपको जो बेसिक नॉलेज है वो साथ साथ में दूंगा। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक। तो इस क्वेश्चन को कितने ढंग से पूछा जा सकता है। एक तो वर्ड है व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक, है ना। एक हो सकता है अगर रिसर्चर एक्सपर्ट को नॉलेज है तो वो सिलेक्टेड यूज नहीं करेगा, वो आइडेंटिफिकेशन यूज करेगा, व्हाई यू हैव आइडेंटिफाइड, या हाउ यू हैव आइडेंटिफाइड दिस टॉपिक, यहां पर हाउ आ जाएगा, है ना। हिंदी में आप साथ साथ में देखेंगे विषय को क्यों चुना, है ना। दूसरा है कि व्हाट आर द रैशनल्स, एस डालेंगे यहां, रैशनल्स ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। तीसरा यही क्वेश्चन है जस्टिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज द नीड ऑफ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर प्रॉब्लम। हाँ, बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है रैशनल और सिग्निफिकेंस में, यहां क्योंकि मास्टर लेवल का है वो डिफरेंस अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पहला मेन पीएचडी और मास्टर लेवल में क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है। इसके हिंदी में आप देख लीजिए, कारण क्या है, औचित्य क्या है, आवश्यकता क्या थी, महत्व क्या है, यही वर्ड उनके जो समानार्थी यूज किए जाएंगे। तो इसका उत्तर आपने कैसे देना है, इससे पहले हम ये देख लें कि जो एग्जाम्पल हमने लेके चलना है उसको थोड़ा सा समझ ले। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 टाइटल जो है लेके चल रहा हूं। एक है टीचर इफेक्टिवनेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन रिलेशन टू सब्जेक्ट एंड जेंडर। अगर आपका एक्सपर्ट है तो वो टाइटल से ही शुरू हो जाएगा कि इसमें गलतियां क्या है। द बेस्ट टाइटल किसी भी रिसर्च का वर्ल्ड में, मास्टर पीएचडी का, कौन सा होता है। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले इसमें ही आइडेंटिफाई करके बताता हूं, सबसे पहले उसमें मेन वेरिएबल्स की मेंशन होंगे, मेन वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स एस, क्योंकि दूसरे भी होंगे। ये हो गया दूसरा वेरिएबल सब्जेक्ट हो गया यहां पर, तीसरा वेरिएबल जेंडर हो गया, वेरिएबल की इंफॉर्मेशन है। दूसरा कि पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होगी, क्या आपके रिसर्च टाइटल में पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है एग्जैक्ट। यस, ये देखिए अंडरलाइन करूंगा, सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये पॉपुलेशन है, वो टीचर जो 10th क्लास तक पढ़ाते हैं। तीसरा के फर्स्ट ये हो गया वेरिएबल, दूसरा पॉपुलेशन,
तीसरा, टाइटल से ये पता लग गया ये कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है, टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये अब इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि इन रिलेशन टू है, इट मींस ये डिस्क्रिप्टिव या कोरिलेशनल रिसर्च है। कोरिलेशन रिसर्च भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक ब्रांच मानी जाती है। हाँ, कुछ बुक्स में कुछ लिखा हुआ है उसको अलग से, कुछ को अलग से, दैट इज वाई ऑब्लिक डाल के इसको यहाँ डाल दिया गया है। तो ये हो गया हमारा टाइटल। दूसरा टाइटल भी जल्दी से कंसिडर कर लेते हैं। मेन वेरिएबल क्या है, वर्क वैल्यूज। देखिए अमंग यहाँ और डेलीमेट पॉपुलेशन को किया गया है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, ये रहा पॉपुलेशन, ये रही पॉपुलेशन और ये रहा मेन वेरिएबल और ये रहा दूसरा मेन वेरिएबल और ये रहा तीसरा मेन वेरिएबल। और इसकी भी टाइप ऑफ रिसर्च दिखाई देती है डिस्क्रिप्टिव एंड और कोरिलेशन। ये कोरिलेशनल मेन पता चलता है कि अगर रिलेशनशिप पर बेस्ड सारे ऑब्जेक्टिव बने हैं, जो है अपना रिग्रेशन है यूज हुआ, पाथ एनालिसिस यूज हुआ है, चलो ये पीएचडी में यूज होता है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन ऐसे यूज हुए हैं ना, तो वो कोरिलेशन रिसर्च है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की ही इंडिकेशन टाइटल में दिखाई दे रही है। जो पहली बात हमने की है कि टाइटल की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उससे आप अपने टाइटल को इवेल्युएट कर सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंड माय टाइटल ऑफ रिसर्च इज राइट और रॉन्ग। सेकेंड, जो मेन क्वेश्चन बाइबल में फर्स्ट पूछा जाता है उसकी वर्डिंग आपको बता चुका हूं, तो उसका आंसर आपने ब्रीफ में क्या देना है, आपने आपके चार जो है इनके इर्द गिर्द आपके आंसर होने चाहिए। फर्स्ट, आपका उस जो आपके आपके टाइटल में जब प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स हैं आपका उस में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ये कहोगे फॉर एग्जांपल आप ए टीचर एजुकेटर पर है, वर्क वैल्यू पर है, आप कह सकते हो कि बीइंग ए टीचर मेरा टीचर टीचिंग इफेक्टिवनेस जहां टीचर की वैल्यूज में इंटरेस्ट था, तो आपने अपने गाइड के साथ डिस्कस करके, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल है टीचिंग के साथ, आपका इंटरेस्ट किसमें है टीचिंग में और टीचिंग में वेरिएबल कितने हैं, तो डिस्कस करके आपको नेचुरली है कि उस वेरिएबल तक कहां कैसे पहुंचे। तो पहले दो आपने आंसर देने हैं, मेरा इंटरेस्ट था आपने चूज करना है, बेशक आपका वो सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल आप एमएड का है तो आप कह सकते हो कि मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट था, दैट इज व्हाई मैंने अचीवमेंट इन इंग्लिश ये जो वेरिएबल लिया। तो दूसरा एक्सपीरियंस और नॉलेज, क्योंकि आपने वो मास्टर लेवल पर इंग्लिश की स्टडी की हुई है, है ना, तो ऐसे उत्तर आ सकते हैं। तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि हमने इंटरेस्ट से अपना ब्रॉड एरिया चूज किया, उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के बाद आपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर किया, तो रिव्यू कहां से रिलेटेड लिटरेचर किया आगे चल के उसके आंसर आएंगे। आपने दो डिफरेंट वेबसाइट्स थी, डॉज है, एरिक है, शोधगंगा है, गूगल स्कॉलर्स है ना, तो इनको सर्च किया और आप जिस एरिया में इंटरेस्टेड थे उस पर आपने पिछले जो एब्स्ट्रैक्ट हैं रिसर्च के पीएचडी के मास्टर लेवल के वो निकाल लिए। आपने और क्या क्या स्टडी किया, जर्नल्स, बुक्स, सर्वे, शोधगंगा, ये आपने जो लिस्ट दे दी और उनमें से निकाला क्या और ऑर्गेनाइज किया क्या वो यहां दिखा रहा हूं। जैसे आपने स्टडीज को डिवाइड कर लिया जो आपके वेरिएबल थे, मेन वेरिएबल यहां पर फॉर एग्जांपल वर्क वैल्यूज था, है ना, दूसरे टॉपिक में टीचर इफेक्टिवनेस का था, तो आप डिवाइड कर लिया, अगर डिवीजन अकॉर्डिंग टू दूसरे वेरिएबल भी हो सकती है तो आप कर सकते हो। स्टडीज पर्टेनिंग टू वर्क वैल्यू ऑफ स्कूल टीचर, तो उनमें आपने जो मेन ऑथर था उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उनको लिख लिया, ये लिखने के डिफरेंट ढंग होते हैं, यहां पर नहीं डिटेल में बता सकूंगा। मेन जो है अगर आपका एक ऑथर है उसका लास्ट नेम आता है, और अगर दूसरा है दो ऑथर ने वो रिसर्च की हुई है जो आपने स्टडी कर रहे हो तो दोनों नेम आएंगे। अगर तीन से ज्यादा है तो एटल आता है, वैसे एक्चुअल में अगर फर्स्ट टाइम छह तक, एक दो तीन चार पांच छह तक
6 ऑथर ने काम किया है और फर्स्ट टाइम वो आ रहा है आपके टेक्स्ट में। ये पीएचडी और यूजीसी वालों के लिए ज्यादा जरूरी है, तो वो 6 के 6 ऑथर्स का यहाँ नाम आएगा। अगर ये 6 ऑथर आगे फिर रिपीट होने लगे हैं तो फिर पहले का नाम लगा के साथ में एटल आएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वाइवे में, एटल का मतलब क्या है? एटल का मतलब है एसोसिएट्स, साथी, जो रिसर्च एसोसिएट्स जिन्होंने आपके साथ, इनके साथ लग के कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया है। किसी ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, किसी ने डाटा कलेक्ट किया है, किसी ने इंटरप्रिटेशन में हेल्प की है, कोई ना कोई हेल्प की है, दैट इज व्हाई उनका नाम आता है। उसके बाद आपने किस ईयर में ये रिसर्च हुई है ना, तो उसके बाद आपने जो इन्वेस्टिगेट किया है और उसने जो इन्वेस्टिगेट किया है उसका एक पैरा है जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट बोलते हो, यहाँ पर वो आपने लिख देना है। और उसमें से एनालाइज क्या करना है, जो हमने कहा था कि टॉपिक चूज कैसे किया, हमने एनालाइज ये ऐसे किया कि हमने वो जो रिसर्च स्टडी फाइंड की थी उनके रिजल्ट्स को जो अलग अलग करके देखा कि कौन क्या क्या कह रहा है, कौन कह रहा है कि वर्क वैल्यू और जो दूसरा वेरिएबल है आपका उसका आपस में रिलेशन है, को कौन कह रहा है कि रिलेशन नहीं है, कौन कह रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है, कौन कह रहा है कि नेगेटिव रिलेशन है, कौन कह रहा है डिफरेंस जेंडर डिफरेंस है, कौन कह रहा है जेंडर डिफरेंस नहीं है, कौन कह रहा है कि मेल हायर है, कौन कह रहा है कि फीमेल हायर है। तो ये आप एनालाइज करते हो, ये लंबा प्रोसेस है, ये सबसे पहले अगर आपने रिसर्च वर्क शुरू करना है यहां से शुरू होगा। अब चलते हैं कि एनालाइज कैसे करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पीएचडी और यूजीसी वाले के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो रिसर्च क्वेश्चन थे, आपके ऑब्जेक्टिव थे, फॉर एग्जाम्पल आपका पहला ऑब्जेक्टिव था कि आप वर्क वैल्यू और जेंडर में डिफरेंस देखना चाहते हो, दूसरा आपकी दूसरी जो मैंने लेके चला हूं वो उसका ले लिया टीचर इफेक्टिवनेस की एक डायमेंशन और जेंडर, मतलब कि मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में टीचर इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है, ये आप ऑब्जेक्टिव लेके चले थे। तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार आप उसको एनालाइज करते हो, रिसर्च क्वेश्चन के अनुसार आप अपने लिटरेचर को स्टडी करते हो। तो ये पॉसिबल है कि आपके जिस ये रिसर्च क्वेश्चन है वर्क वैल्यू एंड जेंडर, फॉर एग्जांपल इस पर बहुत ज्यादा स्टडीज हुई हैं, मान लीजिए 1000 स्टडीज हुई हैं, जहां बहुत कम स्टडीज हुई हैं, सिर्फ 30 स्टडीज मिली हैं, कोई भी स्टडी नहीं है, ये एक आध स्टडी है, ये देखिए ये फर्क है, डिपेंड करता है। अगर तो उस वेरिएबल के रिलेशन पर जो आप लेके चले हो बहुत ज्यादा स्टडी हुई है और वो सारी स्टडी स्टडी ये कह रही हैं कि देयर इज, जहां कह लो कि आप मेल एंड फीमेल आर इक्वल, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मान लीजिए है ना, मतलब कंसिस्टेंसी है, 1000 में से 900 स्टडीज ये ही कह रही हैं, तो इट मींस जनरलाइजेशन लगभग हो चुकी है कि मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू वर्क वैल्यू, जहां जो भी लेके चले थे टीचर इफेक्टिवनेस। तो ये अगर ऐसे जनरलाइजेशन हो चुकी है देन देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर रिसर्च, यहां आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो जब एक्सपर्ट आता है उसको पता होता है इस पर इतना काम हो चुका कि जनरलाइजेशन बन चुकी है, तो आपने वो टॉपिक लिया है वहां आप सारा आपका रिजेक्ट हो गया, दैट इज व्हाई गाइड की जरूरत होती है, वो टॉपिक आइडेंटिफाई करते दे जिन पर जो जिसको जस्टिफाई किया जा सके, जो क्वेश्चन लेके हम चल रहे हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्टडी 1000 स्टडी हुई है लेकिन उनमें से 400 ये कह रही है कि मेल आर हायर देन फीमेल, 360 ये कह रही हैं कि मेल आर लोअर देन फीमेल, ये बात होगी। तो इट मींस कुछ स्टडी जो बाकी बची हैं, पेंडिंग बची हैं, वो कह रही कि दोनों बराबर हैं। तो क्या हुआ, कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा, कंसिस्टेंसी नहीं है, इसे कह रहे हैं कि इनकंसिस्टेंसी। तो यहां पर आप कि को फर्दर रिसर्च करनी होगी कि ये पता करने के लिए कि ज्यादा स्टडीज इस फेवर में जाती हैं या इस फेवर में जाती हैं, और वो फर्दर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या वेरिएबल हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी तरफ, इसकी तरफ। नेचुरली आप फर्दर इंटरेक्शन एनालिसिस करोगे, यहां आपको अभी इतनी बात में समझ आएगा। तो ये है आपने वर्ड कौन सा यूज करना है,
कि सर जो फाइंडिंग रिसर्च तो काफी हुई है लेकिन उनमें इनकंसिस्टेंसीज पाई जा रही हैं, सभी एक डायरेक्शन नहीं दे रहे, डायरेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस जब बनेगा ऐसे ही बनेगा, कि अगर इनकंसिस्टेंसी है तो हमेशा ही नल हाइपोथेसिस बनेगा, ये उत्तर पक्का कर लो और उसके लिए भी यूजीसी नेट के लिए। अगर कंसिस्टेंसी है, ये तो जनरलाइजेशन होगी, अगर कंसिस्टेंसी मिल रही है तो डायरेक्शन मिल रही है, इट मींस डायरेक्शन क्या है कि मेल और फीमेल बराबर नहीं है तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनेगा। द वर्ड कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी गाइड करता है कि कौन सा हाइपोथेसिस आपने बनाना है। अच्छा, तो उसके बाद अगर रिसर्च ही बहुत कम हुई है, इनको उड़ा देते हैं, ये रहा, अगर रिसर्च ही बहुत कम हुई है, अगर रिसर्च ही बहुत कम फ्यू हुई है, मान लीजिए 30 हुई है, 10 हुई है, 15 हुई है, बहुत कम है, देन इट मीन्स आप जनरलाइज नहीं कर सकते, परमानेंट कंक्लूजन आप नहीं बना सकते। जहां आप परमानेंट कंक्लूजन जनरलाइज नहीं कर सकते हो, इट मीन्स देयर इज नीड ऑफ मोर रिसर्च टू रीच जनरलाइजेशन। सेकेंड आंसर आपका ये हो सकता है, अगर ये सर मेरे जो एरिया है इसमें ये मुझे 7-8 स्टडी मिली है और वो भी इनकंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी है उनमें, उनकी फाइंडिंग जो एक तरफ नहीं जा रही, एक ही तरह की फाइंडिंग्स वो नहीं है, कुछ अलग कह रहे हैं, कुछ अलग कह रहे हैं, दैट इज वाई जनरलाइजेशन नहीं हो रही और मैं उसके बेस पर मैंने अपना रिसर्च टॉपिक यूज किया गया। जब ऐसे आप करते हो गया जस्टिफाई, पूरा नहीं लिखूंगा, रैशनल हो गए, है ना, तो ये मेन काम वैसे रिसर्चर का ये होता है। तीसरी कि आपकी कोई रिसर्च ही नहीं हुई, मान लीजिए आपको वर्क वैल्यू और लाइफ स्किल्स पर कोई मिली नहीं है, एक आध डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिली नहीं है, तो आपका रिसर्च क्वेश्चन उसमें नहीं अटेंड किया गया, उसको जो है एग्जामिन नहीं किया गया। तो ये अगर रिसर्च क्वेश्चन वो नहीं है, आपने 5 भी हुई है लेकिन ये रिसर्च क्वेश्चन से नहीं हुई तो वो स्टडी नहीं हुई, तो ये दिस इज क्लियर रिसर्च गैप। तो ये सारा मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने अगर दो वर्ड जो रिसर्चर यूज करता है, रिसर्च गैप या इनकंसिस्टेंसी, तो उसको मेच्योर माना जाता है कि यार इसको रिसर्च की नॉलेज है। जब आप वो इधर उधर की बातें करते हैं जिसको जबड़ियां मारना कहते हो, तो पता चल जाता है, एक सेंटेंस से आपका पता चल जाता है को कि आपने आपको नॉलेज है मेथोडोलॉजी की नहीं। तो अगर रिसर्च गैप है मतलब कोई स्टडी नहीं हुई, दैट इज वाई उस रिसर्च गैप को फिल करने के लिए मैंने ये टॉपिक लिया है और ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। तो आपका आंसर क्या बना, इंटरेस्ट और मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में था, गाइड से डिस्कशन करके और रिव्यू मैंने शुरू किया, रिव्यू यहां से शुरू किया, रिव्यू एनालाइज किया कि मैंने इनकंसिस्टेंसी है जहां रिसर्च गैप है, ये दो वर्ड यूज होने हैं जस्टिफाई करने के लिए। वापस चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है कि कंट्रीब्यूशन आपकी फाइंडिंग्स की हो क्या होगी। जैसे रिसर्च गैप था, नेचुरली वर्क वैल्यू और लाइफ स्किल्स पर फर्स्ट फाइंडिंग है, तो इनका जो डिफरेंस है, मतलब कि हाई रिसर्च लाइफ स्किल्स, लो लाइफ स्किल्स जिन स्टूडेंट्स टीचर्स की हैं, क्या उनकी वर्क वैल्यू भी हायर है, क्या उनकी वर्क वैल्यू भी उनसे लोअर है, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ऐसी स्टडी अगर आप करते हो तो पहले कोई नहीं, आप वो रिसर्च जो गैप था, है ना, एब्सेंट थी वो फंडिंग, तो वो आपकी स्टडीज वो रिसर्च गैप को फिल करने में हेल्प कर रही है। ठीक, फर्दर आप कह सकते हो कि मेरी इस फाइंडिंग से ये होगा कि अगर उनकी वर्क वैल्यू मान लीजिए लो आती है, लाइफ स्किल्स लो वालों की लो और हाई वालों की हाई आती है, तो ये कह सकते हैं कि हमें लाइफ स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो कौन बताएगा, वो आपकी फाइंडिंग्स बताएंगी, है ना। फर्दर इंटरेक्शन एनालिसिस अगर मिलते हैं कि मेल और फीमेल, वो आगे चल के बताता हूं, तो ऐसे मतलब लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आप पहले से ही बता सकते हो अगर आपको क्लियर है कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड ये होते हैं रिसर्च क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रिसर्च, कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, एमएससी साइकोलॉजी कर रहे हो, साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन क्या है, ये क्वेश्चन कॉमन है। तो
ये हिंदी में क्या है कि शोध क्या है, इसका आंसर देने के लिए बड़ा स्पेसिफिक है कि आपको आपको माइंड में क्या रखना है सबसे पहले कि लाइफ है, लाइफ्स में लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, ये ऐसे चल रहा है डायग्राम, ऐसे 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 ओके क्या मतलब लार्ज, लाइफ बहुत वाइड है, प्रॉब्लम बहुत है, तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम ढूंढना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन और क्वेश्चन का आंसर ये ढूंढने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एनिमल इंस्टिंक्टिव अप्रोच अपनाता है, ट्रायल एंड एरर, बिना सोचे ही कोशिश करता रहता है, इनसाइट है, बंदा सोच समझ के तो सोचता है, रिफ्लेक्शन इनसाइट से भी हायर है, बहुत ज्यादा थिंकिंग को एनालाइज किया जाता है। तो टॉप पर कौन सा मेथड आता है? साइंटिफिक मेथड। व्हेन यू अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, व्हेन यू अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू गेट आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नोन एज रिसर्च। तो यहां पर क्या आया? साइंटिफिक मेथड। नेचुरली है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर हो सकता है। हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है कि वर्क वैल्यू और लाइफ स्किल्स का आपस में कुछ रिलेशन है क्या? हाई लाइफ स्किल्स और लो लाइफ स्किल्स की वर्क वैल्यू में डिफरेंस है क्या? मेल और दूसरी प्रॉब्लम जो ली थी हमने, क्या मेल और फीमेल की टीचर इफेक्टिवनेस में डिफरेंस है? रियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इसको आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नोन एज रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको कि व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च, ओके, व्हाट इज साइकोलॉजिकल रिसर्च। व्हेन यू अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम रिलेटेड विद फील्ड ऑफ एजुकेशन, दिस इज नोन एज एजुकेशनल रिसर्च। व्हेन यू अप्लाइड साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और गेट द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो क्या है हिंदी में क्या है कि जो वैज्ञानिक विधि है उसको जब आप किसी अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए या क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हो, वैज्ञानिक विधि को अप्लाई करते हो, उसको शोध कहते हैं। अगर वो रिसर्च प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो जो है एजुकेशनल रिसर्च होगी, अगर साइकोलॉजी में है तो साइकोलॉजिकल रिसर्च होगी, अगर पॉलिटिकल साइंस में है तो पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च होगी, जिस फील्ड में अप्लाई किया वो रिसर्च होगी। ये होता है आएगा कि साइंटिफिक मेथड क्या है, तो आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। दो वर्ड आप यूज एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे फर्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ओके, ये दो अलग अलग मेथड है। इंडक्टिव यहां प्लस कर दिया डिडक्टिव, तो इंडक्टिव क्या है? पर्टिकुलर इंस्टांस से आई मैंने यहां जोड़ दिया, इंस्टांस से जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। डिडक्टिव क्या है? वही जनरल कंक्लूजन को पर्टिकुलर केस पर अप्लाई करते हैं। ये हो गया, यहां तक हो गया इंडक्टिव, यहां तक हो गया डिडक्टिव, ठीक है। आपने साइंटिफिक मेथड क्या कहना है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इन विच रिजिड स्टेप्स आर फॉलोड, और आपने वो फाइव स्टेप बताने हैं, फिर साइंटिफिक प्रोसेस होगी। अच्छा, वही स्टेप्स जो है रिसर्च के जनरल स्टेप है, यहां आकर साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च सेम हो जाते हैं। तो क्या आपका उत्तर है कि जो आगमन और निगमन प्रक्रिया ऐसी कि जिसमें जो स्टेप्स को रिजिडली और लीनियरली, साइंटिफिक मेथड लीनियर मेथड है। लीनियर क्या होता है कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, है ना, फिर नई प्रॉब्लम आ जाती है, आप शुरू से शुरू हो जाते हो। तो लीनियर मीन फर्स्ट के ये एक लाइन में चलेगा। तो साइंटिफिक मेथड क्या हुआ कि सबसे पहले पहला स्टेप होगा प्रॉब्लम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। तीसरा डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस या कंक्लूजन। ये फाइव स्टेप है, ये आपको लर्न करने होंगे। प्रॉब्लम से ही शुरू हुए थे, उसके बाद हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन।
तो इनको फॉलो करना साइंटिफिक मेथड। ये है आंसर जिनका ढूंढ लिया है, व्हाट इज रिसर्च, साइंटिफिक मेथड की एप्लीकेशन, व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड का एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करना, साइंटिफिक मेथड क्या है, रिजिडली 5 स्टेप्स जिनमें इंडक्टिव डिडक्टिव प्रोसीजर शामिल होता है और लीनियर प्रोसेस होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ए रिसर्च, ये क्वेश्चन ऑडियंस से पूछा जा सकता है, जैसे प्रॉब्लम आपको पूछा है ठीक, जैसे ही ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर रिसर्च क्वेश्चन या व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन। अगर योर रिसर्च क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये कहोगे कि टीचर इफेक्टिवनेस और जेंडर, टीचर इफेक्टिवनेस की सभी डायमेंशन का जेंडर के साथ क्या रिलेशन है, जहां मेल और फीमेल में क्या टीचर इफेक्टिवनेस डिफर करते हैं, दिस इज योर ब्रॉड वन रिसर्च क्वेश्चन। ये अगर ये पूछा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और क्वेश्चन क्या है, तो इसका सिंपल आंसर है वेरिएबल, क्योंकि आपके जो मेन टाइटल है उसमें वेरिएबल शामिल था, वही प्रॉब्लम है और एक वेरिएबल और दूसरे वी टू यहाँ लिखा है उसके साथ जहां तो रिलेशन आर जहां डिफरेंस, दो डायरेक्शन होती है, आप ऑब्जेक्टिव और इसमें जरूर देख लीजिए कि रिलेशनशिप वर्ड यूज किया गया है या डिफरेंस यूज किया गया है, तो इनके डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ये क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, डिफाइन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, कहते हैं बड़ा अजीब लगेगा आपको, वेरिएबल का आपने कैसे समझना, कैसे कैसे है और कैसे आपने उसकी देनी है, आपने ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपकी क्लास में, क्या आपकी फैमिली में, एक यूनिट हमने सोसाइटी का ले लिया, क्या सभी की हाइट, क्वेश्चन क्या है, क्या सभी की हाइट सेम है, जब वेरी कर रही है चेंज होती है डिफरेंट है, क्या सभी की वर्क वैल्यू सेम है जब वेरी कर रही है, क्या टीचर इफेक्टिवनेस सभी टीचर्स की सेम है क्या वेरी कर रही है, क्या जेंडर आपकी क्लास में आपकी फैमिली के सभी का सेम है, क्या सारे फीमेल है क्या सारे मेल है, नहीं वेरी कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट में एग्जाम्पल, क्या आईक्यू आपकी क्लास में सभी जनों का सेम है या डिफर कर रहा है, ईक्यू डिफर कर रहा है या सेम है, एसक्यू डिफर कर रहा है या सेम है, कोई भी ऐसी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका आंसर क्या है, एनी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी, एग्जाम्पल हमने ये ले ली, कोई भी जिसकी टेंडेंसी है टू चेंज टू वेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में उन्होंने क्या पूछा था कि कॉन्स्टेंट क्या है, जिसकी टेंडेंसी चेंज होने की ना हो वो कॉन्स्टेंट है, एग्जाम्पल ये तो सभी है वेरी कर रहे हैं, अगर मैं कहूं एक वीक में कितने दिन होते हैं तो वो 7 ही रहेंगे, अब 7 वीक में दिन चेंज नहीं हो सकते, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट। दूसरी बात, आप किसी भी वेरिएबल को, ये वेरिएबल है ना वेरी कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बना सकते हो, यहां लिख रहे हो कॉन्स्टेंट, वो कैसे बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि आपकी क्लास में मेल भी है 50% फीमेल है और आपने स्टडी जो करनी है सिर्फ फीमेल पर करनी है, मेल को आपने स्टडी में शामिल नहीं किया, तो यहां जेंडर क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट हो गया, इट मीन्स वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बनाया जा सकता है, यूजीसी वालों के लिए ज्यादा जरूरी, और जो कॉन्स्टेंट है ऑलरेडी उसको वेरिएबल आप मेरे ख्याल में नहीं बना सकते, तो आई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बनाया जा सकता है, यस, और एक स्टडी में जेंडर कॉन्स्टेंट हो सकता है क्योंकि आपने फीमेल को चूज किया, दूसरी स्टडी में जेंडर वही कैरेक्टरिस्टिक, एक स्टडी में कॉन्स्टेंट है वही कैरेक्टरिस्टिक दूसरी स्टडी में हो सकता है वेरिएबल हो सकता है, जैसे पीछे बात करके आए हैं टीचर इफेक्टिवनेस इन रिलेशन टू जेंडर, जहां आप ये देख लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन रिलेशन टू जेंडर, क्या मेल और फीमेल की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में डिफरेंस है ये जानने के लिए, क्योंकि पिछली स्टडीज कह रही है कि वेरिएबल है, दैट इज व्हाई आप वेरिएबल लेके चले हो और दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हो, दैट इज योर न्यू प्रॉब्लम। वेरिएबल क्या होता है यहां से और डेफिनेशंस आप देख सकते हो, नंबर 1 है कि ओपोजिट कॉन्स्टेंट का है,
चेंज है, डिफरेंस है, ये हो चुका है, एनी कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट इन क्वांटिटेटिव है, यहां पर क्वांटिटेटिव वैल्यू लिखा है, एक डेफिनेशन दिया है, चेंज इन अमाउंट, नंबर, वॉल्यूम, टाइप, नेचर और फॉर्म, कोई भी ऐसी चीज है वो वेरिएबल है। आप किसी भी चीज का नाम लो, ये सुब्रह्मण्य, ये वेरिएबल के बेस पर ही बना है, जो अंदर वाला स्पिरिचुअल जो गॉड वाला है, जो आद सच जुगाद सच वाला है, वहां वेरिएबिलिटी नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ ही परमात्मा है। तो ये वर्ड ही वेरिएबिलिटी से बना है। सिंप्लीफाइड पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना टू विच रिसर्चर वांट टू स्टडी, ये डिफिकल्ट है, एमएड वाले इनको बेशक, मास्टर लेवल वाले इनको बेशक मत याद करें, अगर होता है ठीक है। वेरिएबल शुड बी मेजरेबल ऑन वन ऑफ द फोर स्केल्स लेवल ऑफ मेजरमेंट, दैट इज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, ये बात देख रहा हूँ, इसकी अलग से वीडियो भी। जैसे यहाँ एग्जांपल दे दो, आपका जेंडर जो है नॉमिनल स्केल पर है, दो कैटेगरी बनती है, वो नॉमिनल स्केल होता है, और जो वर्क वैल्यू है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, साइकोलॉजी और एजुकेशन के लगभग सारे ये वेरिएबल जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो इंटरवल स्केल पर ही मेजर होते हैं। अगर आपको वाइनो में ये पूछा जाता है कि आपका टीचर इफेक्टिवनेस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी, कोई भी आपका वेरिएबल जो लिया है जिस पर आपने टूल लगाया है, तो वो इंटरवल स्केल पर मेजरेबल। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल कैन बी बेयर, मैनिपुलेट, कंट्रोल, ये अभी आप रहने दीजिए। एक और सिंपल एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 5 बच्चे हैं और उनका आपने आईक्यू देखा, आईक्यू टेस्ट किया, जो फर्स्ट ग्रुप था 1, 2, 3, 4, 5 मान लीजिए, ये मान के चल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है वैसे, तो पहले का 100 है, दूसरे का 100 है, तीसरे का 100 है, चौथे का 100 है, पांचवे का 100 है, तो कोई भी वेरिएशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, एसडी क्या आएगा, 0। तो वेरिएबल क्या है, जब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो। और वेरिएबल क्या है, यहां लिखने लगा हूं, पहले का 100 है, दूसरे का भी 100 है, एक्सट्रीम सिचुएशन बयान कर रहा हूं, ये हमेशा नहीं अप्लाई होती। और ये मान लीजिए 1 का 101 आ गया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 से ज्यादा होगा, मोर देन 0 होगा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी करेक्टरिस्टिक पर मोर देन 0 है, यूजीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट, तो वो वेरिएबल कहलाता है। पर नॉर्मेलिटी में ऐसा नहीं होगा, किसी का रियलिटी में क्या है, किसी का अगर 100 आया है, किसी का 110 होगा, किसी का 105 होगा, है ना, किसी का 95 होगा, किसी का 1 जो है 15 होगा, तो सभी वेरिएबिलिटी आपको मिलेगी। तो ये एग्जांपल कांस्टेंट और ये एग्जांपल वेरिएबल की है, ये टेक्निकल है कि मोर देन 0 का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएबल का। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूअस को डिस्क्रीट भी बोलते हैं, है ना, सतत अथवा असतत, विघटित और चर क्या है, दूसरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपकी स्टडी में कौन सा है और वैसे क्या होता है, डिफाइंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन योर रिसर्च, जब इन योर रिसर्च बोला है तो आपने अपने जो है वेरिएबल को बताना है, ये वाला मेरा डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर वेरिएबल होता है क्योंकि उसमें चेंजेस आए हैं आने हैं, उसको देखना होता है। लेकिन ये कहां से पता चलता है, नॉर्मली कई बार टाइटल से पता नहीं चलता कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, 90-80% पता चल जाता है, लेकिन 100% नॉलेज इसकी आपको ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस से पता चलेगी कि किसको आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लिया है। सबसे पहले ये देख लें कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन पूछी जाती है या डिफरेंस पूछा जाता है, तो नेचुरली है आपको उनके एग्जांपल पता होना चाहिए और क्राइटेरिया पता होना चाहिए। नॉर्मली सारी रिसर्च डिजाइन मेथड इस पर निर्भर करती है कि जो वेरिएबल आपके है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फर्दर 4 स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है, और इस पर डिफरेंट वीडियो है, टॉपर होता है रेशियो स्केल। तो यहां पर वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जिसकी जो एक्सप्रेशन है होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो।
अच्छा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल का एक्सप्रेशन जो है सिर्फ होल नंबर हो, इट मीन्स द मेन क्राइटेरिया जिसके बेस पर आप कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो वो है फ्रैक्शन, कि कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वटे में आ सके। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन पूछिए कि आप कितने बजे घर आए, तो अगर आप कह सकते हो कि मैं 2:30 बजे, है ना, 2:30 पर, 2:30:45 पर, 2:30:45 से मिली, आगे देख लीजिए अगर मिली सेकंड भी आप काउंट करना चाहते हो, इट मींस किसी भी पॉइंट पर उस वेरिएबल को मेजर किया जा सकता है। तो फ्रैक्शन इज द क्राइटेरिया, अगर उस वेरिएबल को की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्रैक्शन में आ सकती है, एक्चुअली होल में तो आ ही सकती है अगर फ्रैक्शन में है। फॉर एग्जांपल मैं 2 बजे घर आ गया था, अच्छा आपकी एज कितनी है, मेरी है 14 साल 3 महीने 12 दिन इतने घंटे इतने वगैरह वगैरह, हो सकता है ना। ऐसे ही टेम्परेचर, ऐसे ही हाइट्स, मेरी हाइट है 15 फुट 3 इंच वगैरह वगैरह वगैरह, फर्दर जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, ऐसे ही हाइट वेट ओके इतने केजी, तो ये सारा कुछ फ्रैक्शंस में वटों में आ सकता है, दैट इज व्हाई दीज आर कंटिन्यूअस वेरिएबल, एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। दूसरी तरफ एग्जांपल आप पूछिए नंबर, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर इन योर फैमिली, आप क्या कहोगे, कह सकते हो हमारे घर में 5.5 मेंबर है, हो ही नहीं सकता, जहां 5 है जहां 6 है जहां 7, होल नंबर है, सिर्फ होल नंबर आ रहा है ना, दैट इज व्हाई दिस वेरिएबल इज डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास आप कहोगे 25 है 30 है, है ना, सेक्स आप ये कहोगे मेल, आइदर मेल और फीमेल। अब प्रॉब्लम है कि मैंने इनको रेड एरिया से क्यों लिखा हुआ है, अब मैं इनका जो है ब्लू कर लेता हूं, क्योंकि जेंडर को बड़ा मिसकंसेप्शन चल रही है, आईक्यू ईक्यू एसक्यू पर्सनैलिटी के बारे में मिसकंसेप्शन है, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस ही डिफरेंस है, लेकिन रिसर्च में भी ये गलती चलती है। यहां डिटेल में बात नहीं करूंगा, अगर आपने ये देखना है हम क्योंकि कंपेयर करते हैं, पीछे हमने ऑब्जेक्टिव भी किया है कि टू कंपेयर द टीचर इफेक्टिवनेस, टू कंपेयर द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, टू कंपेयर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, टू कंपेयर द वर्क वैल्यूज ऑफ टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना। तो वहां जेंडर हमने क्या किया है, जेंडर की 2 कैटेगरी ली है, मेल और फीमेल। अगर आपने कंसेप्ट डिस्कस करना है तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा यूजीसी में आ सकते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर। तो उसमें क्या है कि आपके फेमिनाइन देखा जाता है कि आपके फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, हो सकता है कि आप बायोलॉजिकली मेल हो, ये रहा सेक्स, मेल बायोलॉजिकल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं उसके बेस पर ये मेल है। मैंने ब्लू कलर क्यों किया, क्योंकि सोसाइटी ने इसके साथ एसोसिएट किया है कि ब्लू कलर हम बच्चे को पहनाते हैं। पिंक क्यों किया, पिंक लड़की के साथ करते हैं। तो ये मैंने जेंडर के हिसाब से कलर यूज किए हैं, ना कि बायोलॉजी के हिसाब से। तो बायोलॉजी के हिसाब से तो कुछ नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मान लीजिए ये फीमेल है, लेकिन इसमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मस्कुलाइन है, ये यहां आकर टिक रहे हैं। इट मीन्स अगर सेंटर में लाइन लगाएं तो ये लड़की है, लेकिन ट्रेट लड़कों जैसे है, ये लड़का है, है ना, मान लीजिए ये लड़का है, मान लीजिए नहीं, ये सेक्स लड़का है, फाइनल है, तो इसके ट्रेट हो सकता है एक्सट्रीम फेमिनाइन हो, है ना। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लड़के हैं वो मस्कुलाइन ज्यादा होते हैं, जहां उनने डेवलपमेंट हम ऐसे करते हैं कि मस्कुलाइन बने, जो हमारे स्टीरियोटाइप है। तो किसी भी पॉइंट पर फीमेल भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट पर मेल हो सकती है, वो एक्चुअल कंसेप्ट है जेंडर का। जो रिसर्च में हम सिर्फ कर लेते हैं मेल फीमेल, वहां वर्ड जेंडर है, लेकिन वहां वो सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं रहता, वो सेक्स वर्ड का ही
हम जो है सब्स्टिट्यूट बदल लेते हैं. एक्चुअल में वहां वर्ड मेरे मुताबिक सूटेबल सेक्स है, क्योंकि मेल और फीमेल का कंपैरिजन होता है, इवन थर्ड जेंडर का भी कंपैरिजन नहीं होता. तो दैट इज वाई वो रेड कलर से इसलिए किए थे कि ये केयरफुली करने वाले हैं. इस पर डिफरेंट वीडियो आएगा. ऐसे ही पर्सनैलिटी ट्रेट है. आईक्यू को आईक्यू कहते हैं होल नंबर में है, दैट इज बाय डिस्क्रीट वेरिएबल है. यहां इसे फाइनल मत कीजिए रिस्पॉन्स, इसकी बाद में वीडियो निकालूंगा. हाँ, जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट है उसका ले लिया एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, वो भी क्वांटिनम है. ये क्वांटिनम और डिग्री मैंने लिखा है दोनों के लिए, इसके लिए भी है ना और इसके लिए भी. इसे उड़ा देता हूं, दोबारा ले लेते हैं. अच्छा, ये क्वांटिनम है. क्वांटिनम है कि कहीं भी आप की वैल्यू हो सकती है. मान लीजिए आपने स्केल लगाया एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन का, यहां पर एक पर्सन लाई कर रहा है, इट मींस एक्सट्रोवर्जन ज्यादा है. इट मींस ये है, अगर यहां लाई कर रहा है वो एक्सट्रोवर्जन इंट्रो एम्बीवर्ट हो गया, मिड वैल्यू होगी. कोई यहां लाई कर सकता है, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां. तो ये डिग्री है, डिग्री कॉन्टिन्यूम है, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल उसे बोलते हैं. तो ये डिबेटेबल कहा जा सकता है. वापस चलते हैं, इतनी बात यहाँ डिटेल में नहीं करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये आपने डिफाइन करना है, ऑलरेडी पीछे करके आए हैं. अगर नेक्स्ट है डिफाइन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन योर रिसर्च, ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा. ये मैंने योर रिसर्च जब आ गया ना, इट मीन्स आपकी रिसर्च में के टाइटल में वो वेरिएबल्स हैं, आपको उसका मीनिंग या डेफिनेशन पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इस टाइटल में वर्क वैल्यू है तो सीधा वो पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग यहां से भी कर सकते हैं, बेटा वर्क वैल्यूज होती क्या है, डेफिनेशन क्या है. ठीक, आपसे ये पूछा जा सकता है लाइफ स्किल्स होती क्या है, है ना, जेंडर से आपका क्या मतलब है, जो मेन वेरिएबल टाइटल में है. साइकोलॉजी वाले यहां पर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लिख सकते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उनका टाइटल ये है ना. इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, वोटिंग बिहेवियर हो सकता है. तो वो मेन वेरिएबल जो डिपेंडेंट यहां पर ये है ना, उसका मीनिंग सीधा आपसे पूछ सकते हैं. आपने ये इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, वो आपने एक बार देख लेना है, अपने वर्डिंग में स्पेसिफिक वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है कि ये वर्ड्स हर हालत में आने ही आने हैं. तो ये सबके डिफरेंट आंसर होगा, है ना. अगर वो ये ऐसा पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि जहां कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नेचुरली आप ये तो पक्का दिखाई दे रहा है और ये भी है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो आप यही कहोगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वर्क में होता है, बता दिया है मैंने. दैट इज वाई यहां क्राइटेरियन वेरिएबल होगा और ये प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा, वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल. अपने शोध में आश्रित स्वतंत्र हो गया. एक चर, वेरिएबल को चर बोलते हैं, कि परिचालन परिभाषा क्या है, तो उसका एक ही उत्तर है, वो मैं यहां लिख देता हूं यहीं पर. जब भी ऑपरेशनल वर्ड आता है, जब भी ऑपरेशनल वर्ड आता है, ये बहुत बड़ा हिंट है, जब भी ये वर्ड आए, बेशक ये आए कि ऑपरेशनल हाइपोथेसिस क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, तो एक वर्ड ये है मेयर और दूसरा वर्ड है मेयर. किससे करना है, इसके लिए जो टूल, नेम ऑफ टूल होगा उसमें, नेम ऑफ टूल. अगर आपको यूजीसी वालों को ये पहचान करनी हो कि इसमें से ऑपरेशनल वेरिएबल कौन सा है, ऑपरेशनल सॉरी हाइपोथेसिस कौन सा है या वेरिएबल कौन सा है, जिस भी वेरिएबल की डेफिनेशन में उसको मेयर करने के लिए उसके टूल का नाम दिया गया हो, उसको ऑपरेशनल वेरिएबल किया जाता है. ऐसे ही आपने परिभाषित करना है. तो अब आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं. अच्छा, ये एग्जांपल किसकी है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की जो ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है वेरिएबल की, पहले तो उसके नॉर्मल डेफिनेशन जो आपने अपनी रिसर्च में यूज की है, जिस थ्योरी के बेस पर, ये एक्चुअली थ्योरी या मॉडल जो आपने यूज किया है. फॉर एग्जांपल, मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अपनी रिसर्च में बारॉन का मॉडल यूज किया था, बारॉन का ही टूल यूज किया था. तो ऐसे ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का फॉर एग्जांपल दाना जोर का है, लेकिन इसमें मैंने सारा कलेक्ट करके अपना टूल बनाया था. तो पहले वो डेफिनेशन आ जानी है,
नॉर्मल डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आपने दे दी, ये सारी वो डेफिनेशन आ गई। उसके बाद लास्ट में जिसमें दूसरी है कि उसकी डायमेंशन जो है कौन कौन सी टूल में है, डिविनिटी है, इंट्यूशन है, रेजिलेंस है, मिशन है, कंप्रेशन है, सारी डायमेंशन दे दी। दूसरा नंबर आ गया, तीसरा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज दी विच विल बी मेजर्ड बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस केयर डेवलप्ड बाय डॉक्टर तीर सिंह 2008। तो ये इससे पहचान हुई कि दिस इज ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशनल मीन मेजर, और दूसरा कि ये टूल का नाम एग्जैक्ट सारा दिया गया है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के वर्क पर डॉक्टर तीर सिंह 2008 तब ये पब्लिश हुआ। इतनी बात आप जब देखते हो तो वो ऑपरेशनल है। कई बार एमएड वाले जा पढ़े थीसिस में ये नहीं देते, लेकिन पीएचडी में हर हालत में ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी जरूरी होती है। अगर आपको वायदे के दौरान ये पूछा जाए कि आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है मास्टर लेवल के थीसिस पर, तो आप उसी वक्त अपनी डेफिनेशन बता के ये कह सकते हो विच वाज मेजर्ड बाय डैश स्केल, अपने टूल का नाम जिससे वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। और एग्जांपल है स्टूडेंट एंगेजमेंट की ऑपरेशनल डेफिनेशन। लास्ट में हमने देखना है कि विच वाज मेजर्ड बाय, ये ऑपरेशनल हो गया, यहां से पहचान होगी, बाय स्टूडेंट एंगेजमेंट स्केल डेवलप्ड बाय लैम एट अल 2012।